हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स लेकर आ गए हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से यदि आपको जरा सा भी प्रॉब्लम है, इसके कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको भी जानना है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको केमिकल काइनेटिक्स के सारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो कॉम्प्लेक्स से एक बात याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट को यह चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कॉम्प्लेक्स लगता है कि यह चैप्टर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह चैप्टर बहुत 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 इजी है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चैप्टर हार्ड है कि चैप्टर जो है हार्ड है या चैप्टर इजी है, यह डिपेंड करता है कि आप चैप्टर का शुरुआत कैसे करते हैं, इसी पर डिपेंड करता है। या मेरा लॉजिक है कि आप चैप्टर को जिस तरह से शुरुआत करेंगे, चैप्टर आपको वैसा ही लगेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में हम भारी भरकम फार्मूला या डेफिनेशन से स्टार्ट ना करते हुए, हम इसके हिस्ट्री ऑफ केमिकल काइनेटिक्स आपको बताएंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का हिस्ट्री क्या है, इसको कौन लाया, केमिकल काइनेटिक्स को क्यों लाया, ठीक है, लाया तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो ये ना सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स बल्कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ें तो तीन फैक्टर जरूर याद रखें, उस चैप्टर का हिस्ट्री, उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस, उस चैप्टर का नीड। तीन चीज़ यदि आप तीन चीज़ से शुरुआत करेंगे तो कभी भी आपको कोई भी चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि हम हिस्ट्री ऑफ केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स जो लाया कौन, हिस्ट्री ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो हिस्ट्री ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के मतलब जानने से पहले आपको ये बता दें कि काइनेटिक्स जो है किससे बना है, एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम से ही कुछ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स बना है एक ग्रीक वर्ड, किससे, ग्रीक वर्ड काइनेसिस से, जिसका मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि केमिकल्स कंपाउंड जो होते हैं, हमारे केमिकल्स कंपाउंड जो होते हैं, तो केमिकल्स केमिकल इक्वेशंस में जो हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो प्रोडक्ट बनते टाइम उनका जो मूवमेंट किस तरह से होता है, उनका किस रेट से मूवमेंट होता है, किस रेट से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, यानी कि वो सारे चीज के बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि इसका एक्चुअल डिफिनेशन हम पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसके हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसको हिस्ट्री जानने के लिए स्टार्ट करते हैं इसका हिस्ट्री के बारे में। तो जो हमारा इसका हिस्ट्री है, तो इसका हिस्ट्री के बारे में साल था वो हमारा 1864 में एक दो साइंटिस्ट आए। पहले साइंटिस्ट थे हमारे, पहला का नाम था पीटर वागे। पहले हमारे थे पीटर वागे और दूसरे थे कैटो गुल्डबर्ग। पहले थे पीटर वागे और दूसरे थे कैटो गुल्डबर्ग। पीटर वागे, कैटो गुल्डबर्ग, ये हमारे दो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये दो साइंटिस्ट ने किसके हेल्प से, लॉ ऑफ मास एक्शन के हेल्प लेके, इसके हेल्प से केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कुछ थ्योरी बताई, ठीक है। कौन, तो पीटर वागे और कैटो गुल्डबर्ग साल 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से क्या बताएं, केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएं, ये दोनों साइंटिस्ट, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो यदि हम मोटा मोटा में बता दें तो लॉ ऑफ मास एक्शन है कि कोई भी रिएक्टेंट की का अमाउंट हम ज़्यादा बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी कुछ इंक्रीजमेंट आएगा। तो ये तो बस मोटा मोटा है, लॉ ऑफ मास एक्शन के डिटेल्स में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो अभी तो हम बस बताएं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मदद से ये दोनों साइंटिस्ट ने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। लेकिन क्या हुआ, ये इनके थ्योरी को कौन पढ़े, इनके थ्योरी को इनके बाद में एक साइंटिस्ट है हमारे वांटहॉफ, ये हमारे साइंटिस्ट है वांटहॉफ, जो कि आपको वांटहॉफ फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा, वांटहॉफ फैक्टर इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है केमिकल डायनेमिक्स के बारे में पढ़े, केमिकल डायनेमिक्स के बारे में, केमिकल्स केमिकल्स डायनेमिक के बारे में ये भी पढ़े, यानी कि क्या पढ़े, तो ये पीटर वागे और कैटो गुल्डबर्ग का दिया हुआ जो थियोरी था वो वांटहॉफ ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, और अच्छे से स्टडी करके अपना एक बुक में पब्लिश किया अपना थ्योरी। तो अपना थ्योरी पब्लिश करने के कारण इनको 1901 में नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। वांटहॉफ जो थे इनके लॉ को पढ़े, इनके लॉ को और मॉडिफाई किए, कुछ अपना लॉ भी इसमें लगाए, और 1901 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो वांटहॉफ ये कैसे साइंटिस्ट हैं जिनको केमिस्ट्री में सबसे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे पहला प्राइज मिला था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट हैं, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला है, वांटहॉफ को। ठीक है, ये आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दिए कि सबसे पहले इन्हीं को मिला है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हिस्ट्री हो गया कि हिस्ट्री यही था। तो हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं क्या कि केमिकल काइनेटिक्स जो है क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, तो अब डेफिनेशन पे इसके बारे में बात करेंगे हम कि इसका डेफिनेशन क्या है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, तो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन बोलता है कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है भाई। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो बहुत ही सिंपल बात है कि कोई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, इसके अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा पढ़ते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में। तो कोई पहले इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं इसके बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना का रेट से घट रहा है, डिसअपियर कितना के रेट से हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस,
फिर प्रोडक्ट कितना का रेट से बन रहा है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में स्टडी किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसको और तेज कैसे किया जाए उसके रेट को, यानी रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो रेट कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसिंग अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कैसे उसको प्रोसेस करवाया जाए, या कोई हो भी रहा है तो कैसे हो रहा है उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, तो इन सारे चीज़ों को समझने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज़ का, केमिस्ट्री के कौन से ब्रांच में, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो हाँ, प्रॉब्लम अभी हो रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बहुत आपको तंग कर रहा होगा, इसके बारे में हम तुरंत बताएंगे। तो अभी बस इतना क्लियर समझिए, इसके आगे क्या समझा रहे हैं कि नीड फॉर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का नीड कहाँ है, इसका जरूरत क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या जैसे केमिकल काइनेटिक्स का जरूरत जो है बहुत जगह है, कहाँ है, तो इसका नीड कहाँ है, नीड इसका जरूरत, जरूरत कहाँ है केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहला जरूरत कहाँ है, तो आपको बता दें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे पहला केमिकल काइनेटिक्स का जरूरत है। क्यों है, जैसे कि देखिए कोई इंडस्ट्री में कोई जैसे कि अमोनिया का फैक्ट्री है जहाँ से बनता है अमोनिया, तो अमोनिया तो हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, या कोई भी इंडस्ट्री में कोई सामान केमिकल्स बन रहा है, तो यदि मार्केट में उसका मांग ज़्यादा है तो उसका तो केमिकल्स बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो केमिकल्स बहुत जल्दी जल्दी बने, क्योंकि मार्केट में उसका मांग ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएं इसके बारे में स्टडी करेंगे, हाँ उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उस केमिकल्स को हम क्या सोचेंगे कि कैसे इसको बहुत जल्दी बनाए, मार्केट में ज़्यादा मांग हो रहा है, तो हम किसका यूज से उसको बारे में, किसका यूज से हम उस जो बहुत कम अमाउंट में बन रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना पाएंगे, किसके मदद से, केमिकल काइनेटिक्स के मदद से। केमिकल काइनेटिक्स नहीं होता तो कोई प्रोडक्ट जो बहुत कम बनता है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम नहीं बना पाते, जैसे कि अमोनिया होता है, तो अमोनिया में क्या होता है कि उसमें यदि मार्केट में उसका मांग ज़्यादा हो गया तो अमोनिया का रिएक्शन कैसे जल्दी जल्दी करवाना है, किसके अंदर पड़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो किसी भी रिएक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर दूसरा काम पढ़ते हैं, तो दूसरा पढ़ते हैं इन जितने भी हमारे क्या है मेडिसिन है, मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री है, तो मेडिसिन इंडस्ट्री या जो फार्मा वाले होते हैं उनके लिए, क्यों, क्योंकि मेडिसिन जो हम लेते हैं शरीर में लेते हैं मेडिसिन, तो क्या होता है, तो विदाउट केमिकल काइनेटिक्स ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आपको इनो जैसे पीते हैं ना, 6 सेकंड में बोलता है कि 6 सेकंड में असर शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों हो पाता है, केमिकल काइनेटिक्स किसके वजह से, केमिकल काइनेटिक्स के वजह से। क्यों हो पाता है केमिकल काइनेटिक्स के वजह से, क्योंकि उसके जो वो साइंटिस्ट लोग जो हैं या जो बनाते हैं दवा, उसके केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं और समझते हैं कि यह जो आदमी के शरीर में जाएगा तो कितना सेकंड बाद कि रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, तो वो लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो किसके वजह से पॉसिबल हो सका है, तो केमिकल काइनेटिक्स की वजह से, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारा क्या, पहला हो गया इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, और दूसरा इफेक्टिव टाइप ऑफ मेडिसिन के लिए, और तीसरा हो गया एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए,
एटमोस्फेरिक साइंस के लिए। एटमोस्फेरिक साइंस के लिए कैसे है? कुछ साइंटिस्ट लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि किसमें इंटरेस्टेड हैं कि एटमोस्फेयर में जो बहुत सारा गैसेस हैं, तो एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैसेस जो हैं तो हार्मफुल गैसेस हैं, तो कैसे हार्मफुल गैस ख़त्म होंगे, किस कौन से गैस से रिएक्शन करके कौन कंपाउंड बनाएंगे, कितना रेट से कंपाउंड बनाएंगे, कब ख़त्म होंगे वो सारे गैस, कुछ साइंटिस्ट लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस। कुछ लोग इसका सिंपल एग्जांपल ले तो ओजोन लेयर का एग्जांपल ले सकते हैं। साइंटिस्ट लोग उसका पता लगाते रहता है कितना दिन में कहाँ का ओजोन लेयर खतरा में है, कहाँ का ओजोन लेयर खतरा में नहीं है, कहाँ के लोग सेफ हैं, साइंटिस्ट लोग इसके बारे में पता लगाते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए, और मेनली हमारा इसी के लिए जरूरी है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस जो है, ये सब तो सारा इसका इम्पोर्टेंस है, जरूरत है किसके लिए जरूरत है, ये सारे चीज के लिए जरूरत है। चलिए, तो इसको इम्पोर्टेंस में भी ले सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस में भी यही है। अब हम बात करते हैं किस पे, सबसे पहले कि जो असली जरूरत है आया क्यों, जो मेन जो पर्पोज था उस क्यों आया, मेन मतलब बता रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स आने का मकसद क्या था, क्यों यह साइंटिस्ट जो लोग थे हमारे वो क्यों लाए इसको केमिकल काइनेटिक्स को। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि केमिकल काइनेटिक्स से पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन के स्टडी के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके स्टडी के लिए, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है 2A+3B कोई प्रोडक्ट बना रहा है 4C, तो प्रोडक्ट बनाते टाइम यहाँ से यहाँ जाते टाइम कितना एनर्जी में चेंजिंग आया, एनर्जी से ही रिलेटेड बात पॉसिबल था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पहले। जब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमारे जो गुल्डबर्ग जो थे और पीटर वागे इस कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे, उससे पहले केमिस्ट्री के केमिकल्स रिएक्शन के स्टडी के लिए मेनली एक ही ब्रांच था, वो था थर्मोडायनेमिक्स था। कि इसमें क्या पढ़ा जाता था कि थर्मोडायनेमिक्स में बस एक ही चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता था, मेनली चेंज इन एनर्जी। कहाँ से कहाँ, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था तो चेंज इन एनर्जी क्या होता था। अगर आपको 11th में कुछ पढ़ा होगा तो गिब्स एनर्जी के बारे में पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी जो होता है ऐसा, गिब्स एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, थर्मोडायनेमिक्स में आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो चेंज इन एनर्जी के बारे में सिर्फ पॉसिबल था बता पाना केमिकल काइनेटिक्स से पहले। तो हम यह कैसे पता कर पाते हैं कि कोई भी मेडिसिन है तो इंसान के शरीर में जाएगा तो कितना रेट से यह रिएक्शन करेगा कि फ़ायदा होने वाला है, फिर इंडस्ट्रियल पर्पोज के लिए, जैसा हम पीछे बताए आपको कि, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारा कौन आया, केमिकल काइनेटिक्स आया। क्यों? क्योंकि यह रेट ऑफ रिएक्शन को बतलाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन बतलाने से हमको पता चलने से बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। बहुत सारे फायदे का मतलब बहुत सारे फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं तो बताए हैं आपको कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग पता करते हैं कि कितना रेट से ओजोन घट रहा है, कहाँ के लोग सेफ है नहीं है, हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में कब हटेंगे, ऐसे लोग साइंटिस्ट लोग हैं जो ये सब पता लगाते हैं, ठीक है। तो हम आपको तीन चीज के बारे में बता चुके हैं, मेन जरूरत था यही केमिकल काइनेटिक्स का, जरूरत यही था कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आने से पहले हमारा मेन ब्रांच केमिकल्स रिएक्शन
के स्टडी के लिए मेन ब्रांच था थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ हम चेंज इन एनर्जी से रिलेटेड बात कर सकते थे, वही पॉसिबल था और कुछ पॉसिबल नहीं था उसके अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब जानने के लिए हमको केमिकल काइनेटिक्स का आना बहुत ज़रूरी था। यही वजह से यह चैप्टर आया केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर के में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा रेट ऑफ रिएक्शन से। उससे पहले रिएक्शन का टाइप पढ़ना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितने रिएक्शन होते हैं। ऐसे तो आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पेप्टाइजेशन रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में कौन कौन रिएक्शन होते हैं उनको देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे तीन तरह के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन रिएक्शन? रेट के आधार पर। रेट मीन्स क्या? रेट मीन्स ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्लो या मॉडरेट। तो देखिए, रेट के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमारे होते हैं। पहला होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो 10 के पावर माइक्रोसेकेंड, नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं। 10^-6, 10^-9 सेकेंड में क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। हमारे जो दूसरा होता है वो होता है वेरी स्लो रिएक्शन। इसको कंप्लीट होने में ईयर लग जाता है या मंथ लग जाता है, कुछ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको कंप्लीट होने में, वेरी स्लो रिएक्शन। और जो तीसरा होता है हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, जो ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना तो बहुत कम टाइम लगता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। उसको बोलते हैं हम क्या? मॉडरेट रिएक्शन। हाँ, इसमें ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना ही बहुत कम टाइम लगता है मॉडरेट रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इसमें क्या बताएं, इसमें आपको कि माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड लग जाता है, इसमें ईयर या मंथ लग जाता है, और इसमें मॉडरेट में क्या लगता है? ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखेंगे, अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन क्या है और मॉडरेट रिएक्शन क्या है। ठीक है, तीनों के एग्जांपल पढ़ेंगे, मेनली तो एग्जांपल ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वेरी फास्ट रिएक्शन, यार वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है? वेरी फास्ट ऐसे लिए, इसमें एक हम बीकर लिए, बीकर में एक केमिकल्स पहले से है, दूसरा केमिकल्स डाले, फटाक से रिएक्शन हो गया तुरंत, वो वेरी फास्ट रिएक्शन। टाइम भी नहीं, जर इतना सा भी टाइम नहीं लगा, वो है हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन। तो क्या है हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन में आ जाएगा? तो वेरी फास्ट रिएक्शन में आपको बता दे सबसे पहले, इसमें आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं, आयोनिक रिएक्शन सबसे पहले आते हैं। जितने भी आयोनिक रिएक्शन है, मैक्सिमम आयोनिक रिएक्शन जो होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि AgNO3 + HCl, क्या बनाएंगे? AgNO3 + HCl क्या बनाएंगे? तो यहां से आ जाएगा AgCl और प्लस क्या आ जाएगा? AgCl आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे Ag क्या में टूटेगा? ये तो पॉजिटिव आयन है, इसमें निगेटिव आयन कौन है? निगेटिव आयन ही है, पॉजिटिव आयन कौन है? ये है। तो ये दोनों उसके पॉजिटिव आयन से जो पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा, तो Ag+Cl, और इसमें क्या आ जाएगा? NaNO3। AgNO3 + HCl। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं इसका एग्जांपल्स। AgNO3 + NaCl, AgNO3 + NaCl। ठीक है, AgNO3 + NaCl है।
तो AgNO3 plus NaCl, तो AgCl हो जाएगा और NaNO3 हो जाएगा, AgCl NaNO3। तो ये हमारा आयन में टूटा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ गया, ये इसके साथ गया, तो इसमें क्या हुआ, वेरी फास्ट रिएक्शन हुआ, ये हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा हम रिएक्शन यदि देख लें तो दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, HCl plus NaOH। देखिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन होता है हमारा, तो ये हमारा AgCl प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाता है, ठीक है, इस रिएक्शन में। और इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एसिड है, क्या है हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या देता है, साल्ट देता है, तो यहाँ से कौन साल्ट देगा, NaCl, NaCl plus H2O देगा, ये हमारा साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन AgCl एसिड प्लस बेस क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारा हो गया वेरी फास्ट रिएक्शन। तो चलते चलते हैं दूसरा अपना वेरी स्लो रिएक्शन की तरफ, वेरी स्लो रिएक्शन। देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन मेजरेबल होगा कि नहीं होगा, नॉट मेजरेबल। रेट ऑफ रिएक्शन हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी हो जाता है, इसी वजह से इसका रेट पता नहीं कर सकते हैं कि कितना रेट से यह चेंज हुआ। तो इसमें हमारा आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारा वेरी स्लो टाइप रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन, और भी दो या तीन ऐसे रिएक्शन हैं जो बहुत स्लो होते हैं। इनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है, इनको कंप्लीट होने में 1 month भी लग सकता है, ईयर भी लग सकता है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है हमारा सबसे बेसिक एग्जांपल है, क्या है, सबसे बेसिक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन का। यदि आपको हम एग्जांपल लेके दिखाएं, Fe2O3 plus XH2O, यह क्या बनाता है, Fe2O3 into XH2O, Fe2O3 into XH2O यह बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही तो रस्ट होता है, यही रस्ट है, जंग जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि जंग लग गया लोहा में, तो यही है हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वेरी स्लो रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन बहुत 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 स्लो होता है। और एक वेरी स्लो रिएक्शन में लिख लें तो लिख लेंगे हम H2+O2, जो हमारा H2O जो बनता है किस कंडीशन में, तो कोई भी कैटलिस्ट नहीं रहना चाहिए, आप कोई टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे।
तो H2+O2 जो है हमारा H2O जनरली H2+O2 का जो रिएक्शन में यदि हम कैटलिस्ट नहीं डालें और कोई पार्टिकुलर कोई फिक्स टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन को छोड़ दें कि इतना ही टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन होना है तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा इसका H2+O2 का, ठीक है। चलिए तो हम वेरी स्लो टाइप रिएक्शन पे भी देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं किस पे, मॉडरेट रिएक्शन पे। जो हमारा है कौन सा रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन है मॉडरेट। तो मॉडरेट रिएक्शन में क्या आ जाएगा इसके बारे में देखेंगे। तीसरा आ जाएगा हमारा, चलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे क्या, जो हमारा अभी आया वेरी स्लो रिएक्शन उसका रेट ऑफ रिएक्शन उसका भी नहीं निकाल सकते थे। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन क्या है। तो मॉडरेट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगे ना तो बहुत कम टाइम लगे, उसी को बोलते हैं हम मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल हम लेके देखते हैं N2+3H2NH3। यहाँ पे बैलेंस करना है, N2+H2 क्या होता है, NH3 होता है, तो यहाँ से 3 बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2। तो N2+H2NH N2+3H2 2NH3 हो गया। तो ये हमारा जो रिएक्शन होता है मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज्यादा टाइम ना तो बहुत कम टाइम। तो जो मॉलिक्यूलर टाइप जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। जैसे कि देखो इसमें नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्डेड था, हाइड्रोजन जो है इसमें ऐसे था, हाइड्रोजन इन दोनों का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कैसे, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से हमारा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारा पढ़ लिए जनरली फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो अब हम आगे, अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें एक और एग्जांपल देना चाहें तो शुगर केन जो होता है हमारा उसका जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन C12H22O11+H2O, ये हमारा रिएक्शन क्या होता है। इस रिएक्शन में जब केन्स इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसको बोलते हैं, या वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है क्या, C6H12O6 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 यहाँ पे हो जाएगा C6H12O6। हाँ इसमें टूट जाता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर यही होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, एक ग्लूकोज है एक हमारा क्या है फ्रक्टोज है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एक्चुअली। तो कोई भी रिएक्शन है तो हर रिएक्शन का एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि किस रेट से उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और
प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी रिएक्टेंट में से कोई भी या प्रोडक्ट में से कोई भी पर यूनिट टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन। लिख के दिखाते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे होगा, चलिए लिख के दिखाते हैं। कोई है 2a प्लस 3b बना रहा है क्या 4c, कोई रिएक्शन है 2a प्लस 3b क्या बना रहा है 4c। तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन का दो टाइप्स होता है, एक होता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों में यार अंतर बहुत थोड़ा सा का है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कुछ टाइम में निकालना है कि इतना से इतना मिनट के बीच में बताओ कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बतलाता है कि 3 सेकंड पे बताओ, 4th सेकंड बताओ कितना रेट था, 5th सेकंड बताओ कितना रेट था। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इसका हम पहले हम लिखेंगे क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिखने के लिए क्या करते हैं रूल, पहले स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट को ऐसे लिखो, नीचे लिखो, इनवर्स करो -1/2 और ऊपर क्या करो, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऐसे -1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ऐसे कर दो, फिर प्लस दो या इक्वल दो। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है यदि इसके अकॉर्डिंग निकाले तो। इसके लिए क्या लिखेंगे हम समझाते हैं, इसका मतलब -1/3 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, माइनस लगाओ रेसिप्रोकल करो और डेल्टा बी बाय डेल्टा टी और इज इक्वल टू यहाँ पे +1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है, क्यों माइनस लगाए हम, ये सारा चीज के बारे में अभी बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मतलब है कि इससे कि रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसी का रेट निगेटिव नहीं होता है। -2 के रेट से कोई चीज घटता है, -2 के मतलब स्पीड कभी निगेटिव होता है, उसी तरह से रेट है। तो ये हमारा रेट निकल के आया, क्या आया, सब हमारा रेट है। इनमें से किसी का भी वैल्यू निकाल दीजिए, आपको इस रिएक्शन का रेट पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो हम क्या समझते हैं माइनस लगाने से, देखिए ए का जो ए है ए घट रहा होगा तो ए तो माइनस में आएगा, ए वाला पूरा टर्म क्या आएगा माइनस में, और हम जानबूझ के आगे माइनस लगाएं तो माइनस इनटू माइनस क्या देगा, एक्चुअल में प्लस देगा, क्या देगा प्लस देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगाया जाता है आगे, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आए इसी वजह से आगे क्या लगाता है माइनस। देखो जैसे कि बी बाई टी, तो बी क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और नीचे क्या है टाइम। तो कॉन्सेंट्रेट टाइम के चेंज के साथ कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होगा तो ये तो घटेगा, घट रहा है तो निगेटिव आएगा, इसके आगे निगेटिव लगा दिए तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, ये भी घट रहा है तो उसको आगे माइनस लगाएंगे तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन ये तो बन रहा है, सी क्या है बन रहा है, इसी वजह से निगेटिव नहीं लगाएं, क्या लगाएं पॉजिटिव लगाएं। जो बन रहा होता है उसके आगे क्या लगाते हैं पॉजिटिव, जो घट रहा होता है उसके आगे क्या लगाते हैं निगेटिव। तो ये हमारा हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ऐसे लिखो, जैसे कि एक और हम एग्जांपल दे के दिखाते हैं, जैसे कि मेरा ए वाला एग्जांपल N2+3H2 2NH3। इस एग्जांपल में
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं लगल है यानी कि वन है, तो माइनस वन बाई वन ये ब्रैकेट का सिंबल इसलिए दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बतलाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और नीचे क्या टोटल टाइम, एक बराबर होगा जितना रेट से यह घट रहा होगा उतना ही रेट से ये भी घट रहा होगा, तो इसके लिए -1/3 और डेल्टा H2 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 यानी कि चेंजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय टाइम, टोटल टाइम। इसमें प्लस है क्योंकि NH3 बन रहा है, तो 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 और नीचे टोटल टाइम। तो ये हमारा हो गया रेट। इसमें से किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा, इसका इसका या इसका, तीनों में से किसी का भी आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो अब समय आ गया है कि क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन देने से पहले आपको एक और चीज बताते हैं कि इन जो ये जो सारे चीज हैं, इन सारे को हम क्या बोलते हैं, इन सारे को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको निकाल लो पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको निकाल लो पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको निकाल लो पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यार बात है कि कैसे पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको ना रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन एक और टर्म इसमें आता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये देखो, ये पूरा है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा पूरा है क्या रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम बात कर लेते हैं -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, ये तो हमारा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन यदि हम इसको इतना मिटा दें तो ये जो हमारा है ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। H2 जो है हमारा घट रहा है तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, घटने का दर। और जो ए वाला है इसके आगे से यदि हम ए हटा दें तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, बनने का दर। +1/2 तो लगा हुआ था, लेकिन 1/2 यदि हटा दें तो हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ पे ये तो समझ जाइए, और यहाँ पे इसके लिए लिख लीजिए कि इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस कौन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 के बनने का दर। NH3 के बनने का दर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सिंपल डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी ऐसे कर दीजिए, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। और ये इसका जो बनने का दर पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, N2 के घटने का दर। N2 कितना का रेट से घट रहा है, इसके लिए कुछ नहीं डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। तो घट रहा है ना, तो माइनस लगा दीजिए, नहीं तो मॉड लेना चाहें तो डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी का आप मॉड भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, पता तो चलना ही है कि कितना आएगा। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या आप यूं निकाल लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का कितना का रेट से घट रहा है, तो क्या करेंगे कुछ नहीं डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। जिसका पूछे बस उसी का, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट से कोई लेना देना नहीं है इसमें, इसका मोड लगा दीजिए नहीं तो माइनस लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक काम कीजिए। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे बात हो गया। चलिए आप हम आपको जल्दी से बता देते हैं इसमें एक और जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट
इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन एट पार्टिकुलर टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन एट पार्टिकुलर टाइम, कोई भी पार्टिकुलर टाइम पे, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पे यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो आप क्या निकालोगे उस टाइम? इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे. क्या निकालोगे? इंस्टेंटेनियस रेट. जैसे जैसे कि आपको बता रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन एट पार्टिकुलर टाइम, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. इसको कैसे डिनोट करते हैं? जैसे कि देखिए इंस्टेंटेनियस रेट जो है कैसे डिनोट किया जाता है. जैसे कि कोई रिएक्शन ऐसे है, N2+H2 2NH3, या बन रहा था, आराम से बन रहा था, कोई पूछे कि 5वां सेकंड पे बताओ, 6ठा सेकंड पे बताओ, ऐसे पूछे. यानी कि इसको तो हटा दीजिए. अभी कोई रिएक्शन है 2X+3Y, क्या बना रहा है? 4Z. तो इसमें जो इसका जो रेट लिखाएगा कैसे लिखाएगा? सेम टू सेम पहले जैसा. आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट देखो, यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखाएगा, -1/2. और यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा. तो कोई बहुत कम टाइम के लिए, जैसे चौथा सेकेंड में कितना कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट उसी को बोलते हैं. तो वहाँ पे हम जो हम आपको बताएं डेफिनेशन बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब कोई फिक्स टाइम पे, बहुत कम टाइम के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम होगा. यानी कि टाइम कम है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, यानी मात्रा भी बहुत कम बदलेगा. तो यहाँ पे हम पूरा डेल्टा एक्स ना लिख के क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे. क्यों लिखेंगे dx? डी डेल्टा एक्स अंदर कर देते हैं, डी डेल्टा एक्स बटे dt. नीचे क्या, बहुत कम टाइम के लिए है, इसी वजह से क्या किए हैं, इसी वजह से इसको ऐसे किए हैं, ठीक है. डी डेल्टा एक्स बटे dt, और ये बराबर होता है किसके, -1/3, क्योंकि -1/3 डी डेल्टा वाई बाई dt इसके बराबर होता है. ई किसके बराबर होता है, -1/4 डी डेल्टा जेड बाई dt के बराबर होता है. ये हमारा सारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इसमें भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए है, और रेट ऑफ अपियरेंस ए है हमारा, ठीक है. अब हम आपको इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में कॉन्सेप्ट हम पूरा बता चुके हैं. अब बारी है क्वेश्चन करने की. क्या क्वेश्चन करने के, तो क्वेश्चन लिखिए, लिखवाते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड. तो क्वेश्चन लिखिए आप, पुराना वाला ही एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन से पहले एक ग्राफ देख लीजिए. ग्राफ पे डिस्कस कर लेंगे बाद में क्वेश्चन. N2+3H2 2NH3, यह हमारा रिएक्शन. इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज
टू मोल पर लीटर टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाँ, आपको एक और बात, यूनिट के बारे में हम नहीं बताए, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पे इसका यूनिट जो होता है, आपको बताएं कि जो कौन से रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या में ना पाता है, किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ज्यादातर चीज का तो मोल पर लीटर में मेजर किया जाता है, और नीचे क्या टाइम क्या है, तो टाइम सेकेंड में। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होता है यूनिट। और गैस के लिए क्या यूनिट होता है, हमारे जो गैसेस होता है, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एटीएम में मेजर किया जाता है, और नीचे सेकेंड। तो एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक है, एटीएम सेकेंड इनवर्स होता है हमारा इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये निकालिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 2 mol liter inverse per second inverse। हमारा दिया हुआ है H2 के डिसअपीयरेंस होने का रेट दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो भाई हम रेट ऑफ रिएक्शन को पहले लिख लीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए हो जाएगा माइनस वन बाई वन एन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू बाई टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डेल्टा एन एच थ्री बटे डेल्टा टी। ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। तो यही होता है, इसमें से किसी का भी यूज कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो यूज किसका करना है, हमको इसमें आइडिया क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी कि क्या दिया है, पहले ये देख लेते हैं। यानी कि हम पहले लिखने के लिए बताए थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखने के लिए, H2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है तो बस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T कर दीजिए, यही है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। इसके लिए दिया गया है 2 mol liter inverse second inverse, यानी कि हम इसका यूज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। कहाँ पे यूज करेंगे, देखते हैं कहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसा कहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, तो यूज कर लेते हैं रेट निकालने के लिए। सारा तो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो -1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, तो 2 mol होगा कि -2 mol liter inverse per second inverse। घटने का दर है तो माइनस ले लेते हैं, -2 mol liter inverse second inverse। तो --+2/3 mol liter inverse second inverse, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया -2 mol liter inverse second inverse। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे का क्वेश्चन पे। यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था इसमें, और यदि हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं, इसी में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं क्वेश्चन इसमें, कि रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए। दूसरा क्वेश्चन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी कि क्या हमसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, क्या बताएं कि रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने के लिए डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी लिखिए, ऐसे लिखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए सिर्फ ऐसे लिखना है, यही चाहिए हमको। लेकिन ये तो हमको कैसे पता चलेगा, तो भाई देखिए, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इससे कैलकुलेट कर लिए, कितना आया 2/3।
तो इसके लिए भी क्या आएगा 2/3, इसके लिए भी 2/3, इसके लिए भी 2/3, सबके लिए यह क्या आएगा 2/3। तो हमको ये निकालना है, तो यहाँ पे हम इसको पकड़ के ले आते हैं क्योंकि ये निकालना है, हमको ये पूरा पता है। देखिए यहाँ पे -1/2 डेल्टा एन एच थ्री बाई डेल्टा टी, ये तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके लिए हमारा आ गया है 2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो हमारा आया हुआ है, हमको चाहिए इतना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि डेल्टा एन एच थ्री बाई डेल्टा टी चाहिए, तो इसको उधर भेजिए, तो 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हाँ तो 2 2 जा 4, 4/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, हाँ हमारा ये था, ये पूरा आया 2/3 और 2/3 आया, और ये हमारा हो गया क्या, हाँ 4/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट लगा के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे के आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देखना है, समझिए 4/3 क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ये तो +4/3 होगा क्योंकि बन रहा है, ठीक है। हम आगे कुछ और क्वेश्चंस लेने से पहले हम आपको, अब तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है, फिर भी हम आपको एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन लिखवा देते हैं, हाँ क्वेश्चन है, N2O5 जो है ये टूट रहा है NO2+O2 में, NO2+O2 में, यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए 4, यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए 2, यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए 4, 2 हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। इसमें क्या निकालना है आपको, पहला निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे लिख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है इसमें गिवन है, पहले से गिवन है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फोर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसका यूज करेंगे, जिसका दिया हुआ है उसी का लिख लीजिए, NO2 वाला का ही लिख लीजिए डायरेक्ट, इसको रेट ऑफ रिएक्शन के लिखेंगे +1/4 क्योंकि यह बन रहा है, और NO2 इतना बराबर क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी हो जाएगा, इतना बराबर दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, इसी का यूज करेंगे, और इसमें इतना हमको पता, ये पूरा निकाल लेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि हम इतना तो हमको पहले से ही दिया है, तो 1/4 इंटू एक कितना दिया है, 10 दिया है, कितना दिया है 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो एक कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 5, तो 5/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया। चलिए तो अब हम को बात कर लेते हैं किसमें, रेट ऑफ अपीयरेंस पे एक बात कर लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस आप निकाल सकते हैं O2 का, कि O2 का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, तो O2 का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, यानी कि delta O2 by delta t निकालना है, delta O2 by delta t, यानी कि हम कैसे यूज करें, हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे,
वन बाई वन यानी कि प्लस वन बाई वन डेल्टा ओ टू बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा ओ टू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव बाय टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसमें तो इतना हटा भी देंगे तो ये इसका भी क्या आ जाएगा आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका उतना ही, रेट ऑफ अपियरेंस भी इसका उतना ही आ जाएगा जितना रेट ऑफ रिएक्शन आया मेरा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स पे कि जो ग्राफ्स होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिटाते हैं, तो हम बताएं आपको कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कुछ फिक्स टाइम के लिए होगा, इतना से इतना मिनट के लिए, इतना से इतना सेकंड के लिए, और इंस्टेंटेनियस रेट होगा कुछ फिक्स्ड पॉइंट के लिए कि इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, पहले ग्राफ, तो पहले बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक डाल लेते हैं, इंक बहुत कम हो गया है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ और उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। चलिए तो देखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। जैसे कि कोई ग्राफ ऐसे है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट है, तो कोई रिएक्टेंट टाइम है, इधर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का और नीचे हमारा क्या है, टाइम है इधर। तो टाइम के बढ़ने के साथ क्या होता है, टाइम के बढ़ने के साथ रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बनता है। तो कोई पूछ दिया, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे दे दिया कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था कितना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था 10 mole per liter पर लीटर, यहाँ पे था 10 mole per liter, मोल पर लीटर में सारा लेंगे, यहाँ पे 10 mole per liter और यहाँ पे आते आते हो गया हमारा 6 mole per liter, 6 mole per liter यहाँ पे आया, तो हमारा हो गया 6 mole per liter। ग्राफ इस तरह से है कि यहाँ पे था हमारा किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन 10 mole per liter, यहाँ पे 6 mole per liter हो गया, और यहाँ पे जो हमारा टाइम था, यहाँ पे हमारा टाइम था दो सेकेंड था, और यहाँ पे हमारा जो टाइम है 4 सेकेंड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन किसका बताना है, देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ही लेते हैं, N2+H2 2NH3। हाँ तो यहाँ पे किसका हम लेते हैं एग्जांपल, हम लेते हैं इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का एक ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का एक ग्राफ है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इस रिएक्शन का। तो बोला क्या कि पहले देखो इसमें क्या है हमको निकालने के लिए, तो इसमें हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, स्लोप क्या है, स्लोप हो जाएगा वही y2 - y1 / t2 - t1, क्योंकि वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा
डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, तो 10 में से 6 गया 10 माइनस 6, और नीचे 4 में से 2 गया 4 माइनस 2, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2, कितना आया 2 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या आया, ये आया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका आया H2 का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी कि अब रेट आराम से निकाल लेंगे, रेट इसके निकालने के लिए -1/3 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम क्या आया मेरा, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या कि इतना के जगह -1/3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये वाला हमारा आ गया है ये निगेटिव वैल्यू आएगा क्योंकि यह घट रहा है, तो -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा -2/3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का, आपको इस तरह से दे सकता है तो आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रेट, एवरेज रेट निकाल लिए। चलिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस का ग्राफ होगा, ठीक है। इस ग्राफ में क्या होगा, कुछ इस तरह से है, तो कुछ इस तरह से किसी भी रिएक्टेंट का ग्राफ होगा, किसी भी रिएक्टेंट का ग्राफ होगा या किसी भी प्रोडक्ट का ग्राफ होगा। रिएक्टेंट का ग्राफ होगा तो क्या होगा, घटेगा टाइम के साथ, इधर क्या है टाइम है, टाइम के साथ रिएक्टेंट घटता है, एक समय ऐसा आता है कि फिर नहीं घटता है। प्रोडक्ट एक समय बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है कि नहीं बढ़ता है। तो यदि इसको और अच्छा से हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, तो क्या इसमें यदि कोई पूछ दे यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कोई पूछ दे कि इस टाइम पे या इस टाइम पे बताओ क्या होगा इसका रेट, तो सबसे पहले जिसका भी दिया होगा तो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना होगा। तो यहाँ से क्या करो, जैसे कि ये हमारा सेम एग्जांपल लेते हैं, आप कोई पूछ दिया कि यहाँ पे निकालो इस टी बराबर 2 सेकंड या 3 सेकंड जितना भी दिया हुआ है 2 सेकंड पे, और दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि ये रिएक्टेंट है, यानी कि ये N2 का है, N2 का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे घट रहा है, और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। N2 का ग्राफ दिया है कि N2 कैसे घट रहा है, रिएक्शन में भाग लिया कैसे भाग लिया है टाइम के साथ, ये दिखाया गया है। तो टी बराबर 2 सेकंड पे N2 का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, पूरा ये जो रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन, कैसा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट। तो कैसे आगे लिखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो N2 के लिए हो जाएगा -1/1, यानी कि माइनस सिर्फ लिखते हैं माइनस डी, इंस्टेंटेनियस के लिए होता है यही डी N2/dt, dN2/dt होता है। तो हम यदि सिंपल ये सब कुछ चीज नहीं दिया है, सिंपल क्वेश्चन में यदि आपको ये दे दे स्लोप दे दे, वाला स्लोप पता कर लीजिए किसी भी पॉइंट पे दे, तो स्लोप पता कर लीजिए। स्लोप क्या होता है, उस वही स्लोप हो जाएगा, उस जितना स्लोप आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका मान लीजिए कि स्लोप ए वाला दिया कितना, ये वाला क्वेश्चन में गिवन होगा आपका, बताते हैं हाँ, तो 45 डिग्री होगा। तो ए यदि 45 डिग्री हुआ तो ए कितना हो जाएगा, ए 135 हो जाएगा। तो स्लोप लेते टाइम हम एक ध्यान रखते हैं, जो ग्राफ तो ये था,
तो जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? स्लोप बराबर टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। यानी कि यदि हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए dN2 by dt, निगेटिव ऑफ dN2 by dt चाहिए, तो हमको चाहिए स्लोप। स्लोप यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा यानी थीटा ए वाला लेंगे कि ये वाला? तो इस स्लोप के लिए थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लेते हैं, तो tan 135 डिग्री। tan 135 होता है -1। क्या? -1। तो इसका आंसर आ जाएगा कि -1 mL inverse sec inverse। ऐसे यानी कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा है, यदि आपको एंगल मालूम है वहां का तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो दूसरों को सिखाइए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।